Yeah, that's CN. सेकेंडरी सर्विस
तो सेकेंडरी सफिक्स आपका फंक्शनल रूट का हो जाएगा, अगर सिर्फ फंक्शनल रूट ही है और कुछ नहीं है वो तो भाई दोनों में से फंक्शनल रूट ही यूज करोगे। लेकिन मान लो अगर आपको इसमें डबल बॉन्ड भी है अगर कहीं पर, तो फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, फिर उसका डबल बॉन्ड का ई होता है ना, ई एन ई होता है, वो इसमें आ जाएगा। अच्छा इसके प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगी साइड चेन्स, साइड चेन ये है ये है, ठीक है अब तो कर सकते हो तुम है, इसको शुरू कर दो। यहाँ पर सी एस थ्री है, नोट कर लेने का है, करोगे
ठीक है ना। अभी इसमें आप देखोगे कौन सी, अच्छा दोनों में ही जिस कार्बन पे OH लगाया उसमें तीन नंबर ही आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप OH के लिए दोनों इससे लोएस्ट कौन ही रखता है, लेकिन हम तो बात करते हैं इसकी। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस कार्बन पे इधर पर टू आ रहा है, यहाँ पर फोर आ रहा है, अब ऐसे चलने पर टू आ रहा है फोर आ रहा है, एनी हाउ यू आर गेटिंग टू एंड फोर। तो इसमें कोई भी आप इसमें नंबरिंग यूज कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। होगा क्या अगर मैं इस तरह से नंबरिंग लेके चलता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कितने, देखो कितने कार्बन है, एक दो पांच कार्बन है, तो हो गया पेंट, ये हो गया रूल वाला है। OH का लगा रहा थ्री पे लगा रहा है, तो लगाया यहाँ पर थ्री, और OH का क्या सफिक्स होता है, और होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ पेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, पेंटेन ऐसा होता है ना, अगर इसमें OH नहीं होता तो पेंटेन में आता, लेकिन क्योंकि OH है तो ई लगा दो, लगाओ इसमें पोजीशन क्या है, थ्री, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो बना दिया, व्हाट अबाउट डी सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका तो काम हमने कर दिया, व्हाट अबाउट दीज थ्री मिथाइल्स, हमारे पास एक मिथाइल है टू पे और दो मिथाइल है फोर पे, ठीक है, तो टू फोर फोर है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, इससे अगर आप करते हैं तो ये नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, इस वाले से करेंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा आपका ये पेंटेन थ्री होल, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर टू 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 कॉमा टू कॉमा फोर ट्राई मिथाइल हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा नाम सही है, सेकेंड वाला, दोनों सही है। जब अगर ये दोनों में ही टू फोर फोर आते तब तो बात दोनों में तरफ से तो क्या बात है, सेम ही है दोनों में, लेकिन अगर ये जो नंबर्स आ रहे हैं, पोजीशंस जो आ रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लोकेंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकेंड्स, एक रूल होता है लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंड्स रूल, ठीक है, ये आपका एक रूल है, मतलब कि इन दोनों में से वो नाम सही होगा जिसमें जो एक नंबरिंग है उसका सम लो, ठीक है, किसमें होगा, इसमें होगा, तो ये वाला सही जाएगा, ये वाला गलत जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये नंबरिंग सही है, ये वाले नंबर, ठीक है भाई, हो गया आइडिया क्लियर। एक बार क्वेश्चन, अरे एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप दो बार आया उसे क्या बोलेंगे, डाई यूज करोगे, ठीक है, अगर तीन बार आया तो ट्राई यूज करोगे, चार बार आएगा तो टेट्रा हो जाएगा, ठीक है, पांच बार आएगा तो पेंटा हो जाएगा, ऐसे करके आपने उसमें जैसे OH आ गया तीन बार, दो बार OH आ गया, तो आप क्या करोगे, डाई ओल करोगे, है ओके, ओल के साथ डाई ओल करा, तीन आ गया ओल ट्राई ओल, चार बार आ गया OH तो डेटा ओल, पांच बार आ गया तो पेंटा ओल, ठीक है भाई। ऐसे ही आपके बाकी सभी चीज होती है, OH की जगह कुछ और भी आ गया, अगर दो बार आ गया तो उसको ऐसे करोगे, अगर फ्लोरिन दो बार आ गया तो डाई ओल, तीन बार ट्राई ओल, चार बार डेटा ओल, ऐसे करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने ट्राई मिथाइल यूज किया है, क्यों करा, क्योंकि मिथाइल यहाँ पर तीन बार आया है और हम लोग वो मिथाइल को यूज कर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज मानेंगे जो कि आपके डायरेक्ट चेन में इंक्लूडेड ना हो, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि एक उसमें इथाइल और मिथाइल दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं एल्काइल ग्रुप,
और अगर ब्यूटाइल खड़ा हुआ तो लोएस्ट नंबर ब्यूटाइल आएगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएगा तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला फॉर्म आ गया तुमको ठीक है अगर यहाँ पर ये मिथाइल मिथाइल लगा हुआ और यहाँ पर आपका क्या लगा था मिथाइल मिथाइल लगा था सी टू एच फाइव लगा था ये मिथाइल ठीक है नहीं यहाँ तो आप नहीं यही होता इस क्वेश्चन में तो बता नहीं सकते लेकिन इसको क्या बोलेंगे इथाइल बोलेंगे इसको मिथाइल बोलेंगे इसका बन सकता है वो वही बनेगा ना वही बनेगा इसमें फिर डाई मिथाइल हो जाएगा ये 2,4 डाई मिथाइल अब लिखोगे क्या पहले उसे पहले लिखोगे 2 मिथाइल आपका इथाइल होगा ठीक है 2,4 डाई मिथाइल 2,4 डाई ठीक है इसमें एक चीज और याद रखो ये जो था ओके वो बात है तो ये आपको क्लियर हो गया एक जो एक क्वेश्चन और है सर्वे अच्छा ट्राई करो और पंची का तो बता देता है ना ना सर वो मेरा गलत हो गया था 2,4,4 पहले क्या अगर कंप्यूटर हो तो फोन पर
सर अपने को सेम बड़ा ही परेशान अभी अच्छा तो चल रहा है यही दर्द होता है सबसे ज्यादा सर यहाँ पर हासिल हो गया सर दर्द सर अच्छी ना हो गया हो गया सच में क्योंकि ना फिर ज्यादा हो रहा है बड़े तरह की चलो भी बताओ अच्छा अंशे का बोलो क्या नाम है मैं बोलो वैसे हटके में से ई नहीं हटेगा क्योंकि डाई होगा ई तभी हटते हैं जब वावल आता है वो वावल होता है ना अगर डी आई हो सकता जब भी लिखे हैं तो हेट ए इनटू ना लिखेगा ई नहीं हटाएगा ई टू तब हटाते हैं जब कोई टेबल से हो कि वहाँ पे वो आता है ठीक है वावल वो है पर डी वावल नहीं होता वावल वावल ट्रांसलेशन के लिए होता है ठीक है क्या बोलना चाहता है सुनो मेरे साथ इसमें अपने जो कंपाउंडिंग एक्जिस्ट किया था हाँ ये एक्जिस्ट किया था मैंने अपने को गूगल में सोचा था ये चीज़ एक्जिस्ट किया तो ना अगर एक्जिस्ट हमारा नाम बनाने में क्या है ऐसा कुछ डिस्कवर करना पड़ता देखो ऐसा है गूगल में नहीं शो करना समझ तो ये नहीं तो एग्जिस्ट नहीं होता जो भी आप इसको दे सकोगे तो एग्जिस्ट करता है फिर ही कर पाते होंगे कब हो जाएगा देखो इधर से देंगे इधर से देंगे भैया इधर से देंगे तो थ्री फोर अब क्या है टू पे और फोर पे आपका क्या है टू कॉमा फोर पे आपका डायोड अब वो ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ फोर लगता तब तो ही नहीं आता अगर सिर्फ फोर लगता है टू लगता है एक ही फोर होता है क्योंकि वो जो है वॉल है तो यहाँ से डी आता है ठीक है लेकिन डी जो है आपका क्या है वॉल नहीं है तो देयरफॉर वी विल रिटेन योर डी ठीक है ये सलाम है जगह और बना दो तो जरूर जरूर कब होता है तो हमारा बताएगा अगर हमारा बताएगा इससे छोड़ेगा नहीं तो ऐसे करना क्या होता है ऐसा लोग तो छोड़ो जगरनॉट होता है एक कॉमिक कैरेक्टर है एक्समैन मूवीज का जो बहुत ही बल्कि होता है दीवार से टकरा कर दीवार से टकरा अच्छा ये इसको देखा हुआ ये स्पाइडरमैन में भी आता है चलो इधर देखो ओके ये आपका हो गया बस तुम ठीक है तेरे को मैं जगह पर बना के दीवार दिखा दूँ इधर तो खा लो तू बमे ना तू अरे मैं दीवार में तो हो गई थी हट्टी की टूट गई तो ये वाला हो गया ना फिर हो गया भाई जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट सी चलो ठीक है मैं इस स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ उसका नाम बता ऐसा
बताओ इसको क्या नाम होगा, पहले तो इसका इसका फॉर्मूला बना दो ऐसे करके, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा नहीं आता तो देखो इसमें क्या है, अरे यार मैं उसे तो बात है, तुम मानते हो मानदार से ना, जो कॉर्नर्स है ना ये क्या है, कार्बन है, क्या है कार्बन है, जिगजैग में जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या है कार्बन है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बॉन्ड्स है, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया ओ एच के साथ, यानी इस कार्बन के साथ ओ एच करता, ठीक है। कितने कार्बन हो गए इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन है, बनाने से इतना काम से नाम भी बनाना लास्ट का ई आता है।
मैं हाइक एन मत लिखो हाइक लिखो ठीक है सिर्फ हाइक लिखो एक्स और दूसरा बार बोल दिया ना एक्स और फोर ई एन ई बोल ठीक है अंशिका हाँ आ गया बोलो नाम क्या होगा ठीक है और मैं
वेरी जिग-जैगिंग का बॉन्ड रोटेशन बोल रहा है कि का बॉन्ड रोटेशन नहीं यार जिग-जैगिंग बोल रहा हूं समझ गया मतलब कि अभी इधर देखो सी एच थ्री नॉन सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी डी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच चलो भाई नाम लिखते हैं पहले नाम लिखो फिर जिग-जैग यानी कि बॉन्ड लाइन रोटेशन अपने आप में से बनाएंगे ठीक है ये कैसे जिग-जैग करो तो बन जाएगा अपने कुछ बताओ नहीं ना तो डालो तो तीनों को मार दूसरा क्या देख रही हो लुकाई आप तो जाएगा मजा आ इसमें जो एस नंबर जाएगा आपके फंक्शन ग्रुप को उसको दोगे उस कार्बन को दोगे जो एस नंबर Thank you.
इससे पता है नहीं गलत है चलो तो पता है क्या करते हैं एक काम होती है देखो कार्बन की रूपिंग कर कार्बन की रूपिंग कर दो उधर उधर पहले उसको उसमें करो उसमें पहले उधर वाले में ऊपर वाले में रूपिंग कर कहीं से भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं अभी मैं वो वाले कंपनी की बात कर रहा हूँ मुझे बताना जरा इनमें से कौन सा कार्बन कहाँ पर है देखो अब तक तुमने कुछ सुनाया ना कौन सा कार्बन तो ये कोई नहीं आ रहा है सर बता इसमें कौन सा कार्बन कहाँ पर है नंबर एक सर्विस मुझे कौन सा कार्बन है सर्विस ये सेकंड पे है डबल बॉन्ड
टू ई हो गया और फर्स्ट पे है आपका रूल, ठीक है। और क्या है ये ब्रोमो है या मिथाइल है, तो कौन सा लिखेंगे पहले अंशिका बताइए। ब्रोमो टू ब्रोमो मिथाइल टू ब्रोमो थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल ठीक है, ये आपका नाम जाएगा ब्यूट टू तीन वन टू ठीक है। अच्छा लेना हो गया चलो एल्कोहल वाले तो बता दिए ना, अब जरा फिनोल वाले बताते हैं। फिनोल है ना, तो टू मिथाइल
हैवन
Thank you.
क्यों सचिन दो दिन नीचे हाँ 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 छोटी